सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बिहार के पहले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन शुक्रवार को किया। 15 दिनों में यहां से बसों का परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। 25 एकड़ में बने इस टर्मिनल से प्रतिदिन बिहार और दूसरे राज्यों के लिए करीब 3000 बसों का परिचालन होगा। साथ ही इससे लगभग 1.5 लाख यात्रियों का आवागमन भी होगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ISBT का नाम बदलकर अब पाटलिपुत्र बस टर्मिनल कर दिया गया है। इतना बड़ा टर्मिनल शायद ही कहीं और मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बस टर्मिनल में सारी सुविधाएं और सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इतना बड़ा बस अड्डा शायद ही कहीं मिलेगा। ये इतना अच्छा इस तरह से बनाया जा रहा है और हर तरह की सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया। सर प्रधानमंत्री ने इतना ही नहीं, पटना गया रोड पर स्थित बस टर्मिनल के साथ ही सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरा, औरंगाबाद, नवादा और झाझा के बस अड्डों का भी उद्घाटन किया और साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया। बता दें कि 24 दिसंबर 2016 को ISBT परियोजना का काम शुरू किया गया था। पटना से अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, HN लाइव इंडिया।